मौसम अब और भी प्यारा हो चुका है और मेरे बाल सारे खराब हो गए हैं। सच्ची आज स्कूल का मन नहीं कर रहा कि जाऊं। कितना प्यारा मौसम है। फ्रेंड्स, मैं हूं हनी मलिक, वेलकम टू हनी मलिक व्लॉग्स। तो गाइज, आज मैं अभी सुबह सुबह उठा हूं, रेडी हो गया हूं स्कूल के लिए। तो अभी उठा हूं तो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया, बारिश वाला, और बहुत ही प्यारे बादल आ गए। आपको दिखाता हूं। मैंने नाश्ता करना है, तो ये देखें कितना प्यारा मौसम हो गया। बहुत ही प्यारा मौसम। और ये देखें, इधर बाबा जान अभी भी सोए हैं, वो पंखा लगा, इधर अभी भी सोए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पर अंडे लेने, क्योंकि अंडे मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा दिल किया तो मैं अभी शॉप पर जा रहा हूँ। मम्मा नाश्ता बना रही हैं, तो अभी हम चलते हैं शॉप पर। सही क्या देखे फ्रेंड, कितना प्यारा मौसम है। फ्रेंड्स, अभी मैं घर पहुंच चुका हूं वापस, अभी चलते हैं ऊपर। बहुत ही तेज हवा चल रही है। लगता है बाबा भी उठ गए हैं, वो भी उठ के अंदर चले गए हैं, और बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी तो स्लो है, देखते हैं तेज़ होती है कि नहीं। मौसम अब और भी प्यारा हो चुका है और मेरे बाल सारे खराब हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम पंखा उतार रहे हैं क्योंकि बारिश आने वाली है। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी है और बहुत ही ज़्यादा खराब भी है। उधर से देखा, इधर से कि मौसम बहुत ही काला था, अब वहाँ से साफ हो गया है, अब यहाँ आ गया ऊपर हमारे, और बारिश देखें वहाँ स्टार्ट हो गई है, तेज़ हो गई है यार। वो हमारे फूफो लोगों के प्लांट लगे क्या। तो ये है गाइस, बाबा चार भाई अंदर कर रहे हैं। हाय कर दें। अभी मैंने मुंह नहीं धोया। अभी मुंह नहीं धोया, धो के करेंगे। और बारिश बहुत ही तेज हो गई है गाइस, देखें। ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। आज तो बड़ा ही प्यारा मौसम है फ्रेंड। वाकई सच्ची आज स्कूल का मन नहीं कर रहा कि जाऊं। कितना प्यारा मौसम है, और बारिश बहुत तेज़ हो गई है। मैं एक साइड पे हो जाऊं वरना मोबाइल में पानी ना चला जाए। हम जल्दी जल्दी गार्डन देखते हैं। ओहो, जल्दी देख ले, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। फ्रेंड्स, अभी मैं अंदर आ चुका हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने क्या मोबाइल में पानी ना चलाया, इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। तो अभी आपको हम नाश्ता बनता हुआ दिखाते हैं, आपको चले आए आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर, दूध रखा है चूल्हे पर बॉइल होने के लिए। अभी फिर जब ये बॉइल हो जाएगा तो इसकी चाय बनेगी। और ये मैं लाया था अंडे, आपको अंडा भी दिखाएंगे बनता हुआ। अभी तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप बाहर का व्यू एंजॉय करें।
और देखिए आग भी बहुत तेज चल रही है, जल्दी हो जाएगा। छुट्टी कर रही है जी। तो व्यूअर्स अभी हवा बहुत ही तेज चल पड़ी है, बहुत तेज, और बारिश भी तेज हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत ही मजा आ रहा है। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें। व्यूअर्स अभी चाय बन रही है, अंदर सामान डाल दिया, और अब पानी की बारी है। और बाहर बारिश की बहुत तेज आवाज़ आ रही है, चलते हैं बारिश देखने। वाओ क्या मस्त। ओ जी, तो फ्रेंड्स बाबा आ चुके हैं अंदर से। अच्छा मैं हाय कर लेता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और मेरी हमेशा की तरह आज भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हनी के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइट चली गई लेकिन चाय जो है ना, नाश्ता तैयार हो रहा है अभी, यहाँ पे बन जाएंगी रोटियाँ और अभी लाइट ठीक होगी। आई नहीं है लेकिन मैंने कैमरा की लाइट ऑन कर ली है। तो हनी का बन रहा है नाश्ता, हनी साहब ज़रा पानी तो पिलाओ फ्रिज से। आप लोग हमें कोई अच्छे अच्छे सजेशंस, कोई मशवरा, आपको इंशाल्लाह कसूर के बारे में अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मौसम आज काफ़ी प्यारा है और बारिश हो रही है। तो मैं तो सोया हुआ था, अभी उठा हूँ। अभी इसका स्कूल का कह रहा है, इसको स्कूल छोड़ने जाना था, तो अभी लग नहीं रहा कि छोड़ने जा सकूँगा। अगर बारिश रुकती है तो इसको स्कूल में छोड़ के आता हूँ, क्योंकि स्कूल तो आपको पता है, स्कूल से जो छुट्टी है ना वो करनी नहीं चाहिए, कोई बड़ी मजबूरी ना हो तो। लेकिन अगर बारिश होती रही तो फिर स्कूल जाना तो मुश्किल हो जाएगा। और अंदर चाय बन रही है, लाइट भी हमारी चली गई है, शायद बारिश ही की वजह से। तो देखते हैं चाय का क्या बना, नाश्ते का क्या बना। लाइट चली गई लेकिन चाय जो है ना, नाश्ता तैयार हो रहा है अभी, यहाँ पे बन जाएंगी रोटियाँ और अभी लाइट ठीक होगी। आई नहीं है लेकिन मैंने कैमरा की लाइट ऑन कर ली है। तो हनी का बन रहा है नाश्ता, हनी साहब ज़रा पानी तो पिलाओ फ्रिज से। आप लोग हमें कोई अच्छे अच्छे सजेशंस, कोई मशवरा, आपको इंशाल्लाह कसूर के बारे में अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी दिखाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये हनी की बन रही है रोटी, अभी पराठा बनेगा तो साथ वो अंडा पराठा बनाएगा। और हनी जो कह रहा था कि अंडा आप बना के दें, तो मुझे अंडा बनाना ही आता है और मुझे आता कुछ नहीं है जी। तो ये बन रहा है पराठा, जो अभी खा के हनी साहब स्कूल जाएंगे जी। आप लोग बताइएगा पराठा कैसा बना है,
और जिस जिसने खाना वो जनाब भाई हाजिर है। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पराठा कैसा बने। ठीक है, अभी बनने लगे अंडा। सुबह सुबह अंडा पराठा का जो नाश्ता है वो बड़ा हेल्दी होता है बच्चों के लिए, तो ये एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है। मैं खुद अंडा पराठे ही सुबह को खाता हूँ, तो ठीक है। आमलेट बनाना है या इसका आमलेट ही बनेगा आपको? ठीक है, तो चले मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं इसको थोड़ा फेंट देता हूँ। ठीक है, नमक डाल दिया, इसमें मिर्च भी डालनी है या नहीं जी? तो गाइस ये जो पराठा है वो रेडी हो गया है। बस चलो आप ही बनाओ, मैं तो दूसरा हाफ डे बनाता हूँ, तो ये आप बना दो। वो सब पसंद करता है ना हनी, आमलेट पसंद करते हैं। इसलिए वो यही खाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बस अब मेरा भी बना ही दो, मौसम के हिसाब से जो है ना। लो जी ये हनी साहब का नाश्ता रेडी है, और हनी साहब कह रहे हैं कि जी सामने बारिश देख के नाश्ता करना है। जी हनी साहब, चाय साथ में या लेग अब बाद में पियोगे? बाद में। जी तो फ्रेंड्स अभी हम नाश्ता शुरू करते हैं। खाना जिसने भी खाना है वो आ सकता है हमारे घर। तो आप बताइए कि अंडा और पराठा कैसा बना है? मेरी मम्मा बहुत अच्छा अंडा बनाती है, पराठा भी। आ जाए जिसने खाना है। बिस्मिल्लाह पढ़ी है आपने? पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। हाँ बहुत प्यारा कलर आया चाय का भी। इस बारिश कुछ रुक गई है, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है। तो अभी हनी के स्कूल का टाइम भी है, तो मैंने तो यही सोचा है कि उसे स्कूल छोड़ आऊँ और रेडी हो गया। हनी आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो अभी चलते हैं हनी को जी स्कूल छोड़ने। जी हनी जा रहा है स्कूल, और अभी के लिए बाय कर दें, फिर बाकी फिर बना लेना। ठीक है, ओके जी, फिर अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।